शाम का वेला तक्यो वो दुनिया के लोगों कभी अपने सीने ते हाथ रख के देखो, कहना बहुत सौखा है। कोई पता नहीं कि छोटे मेरे पुत्र केड़ी थां ते ने, कोई पता नहीं कि बुढ़ी मां का बसेबा किते वे, कोई पता नहीं कि मेरे प्यारे सिख किते ने। शाम का वेला हजूर कलगी तर सचे पातशाह कई दिनों के थके टुटे सिख भुखे सिख अज उन्होंने अपना रैन बछेरा चमकौर की घड़ी विच रात नूं करना। साहिब किरपालू जी ने अज अपना कमर कसा खोलिया, गुरु के सिखो शाम का वेला है, सोदर रह राज साहिब जी का पाठ होया, क्योंकि मेरे गुरु ने बाणी का लड़ नहीं छड़िया। ऐ गुरु के सिखा जिदन तेरे अंदरों शब्द चला गया बाणी चली गई, सच जानी बाणी का जाना ही तेरे पतन का कारण बनेगा। साहिब किरपालू ने शाम के वेले सोदर रह राज साहिब जी का पाठ मिलके कीता। उस वेले को जो कुछ शकन नूं मिलिया सुखा मिसाज कई दिन बाद मिले। हुण आखिर प्यारे भाई दया सिंह ने, प्यारे भाई धर्म सिंह ने सिखां दे अंदर दी ए भावना है कि मेरे कलगी वालिया कदी सोहणिया गलीचियां ते, कदी सोहणिया आसना ते, कदी सोहणिया चंदोवियां ते थले पैंदा सी। अज साडे कोल कुछ नहीं, जेड़े साडे तन ढकण दे कपड़े ने, तू कृपा कर असी तेरा आसन जरूर बनावांगे, भावे सानू अपने तन दे वस्त्र उतार के बनाना पै। शाम दा वेला कलगी वाले सच्चे पिता जी दा आसन सजाया गया, जेड़े वस्त्र कोल सन उन्हां नू विछा दिता। साहब दे नाल उन्हां दे दो पुत्रां दा साहिबजादियां दा आसन ला दिता। कलगी तर सच्चे पातशाह उन्हां नू बेनती कीती, दाता जी कि अज रात तुसी विश्राम करो, किन्ने दिन हो गए ने बर्फीलियां रातां झाकदे रहे हां। साहिब किरपालू दे दाते ते अज वखरा नूर सी चेहरे ते। हजूर ने कहा प्यारे दया सिंह कोई नहीं, जिमें करतार नूं पौंदा है ते दो भरा सन गुरु के सिखो, इन्हां दो भरावां दा नां सी मदन सिंह ते भाई कोठा सिंह। कईआं ने दित्ता मदन सिंह ते काठा सिंह। इन्हां दोवां ने उठ के कहा सतगुरु सानू कोई नींद नहीं आउंदी पई, किरपालू दाता जी अज तेरे चरणां विचों असी एक दात मंगनी चाहने हां। हजूर ने पूछा की, कहन लगे सारे सिख आराम करन, सारी रात जाके असी दोनों दोवें भरा चमकौर की गड़ी दे दरवाजे का पहरा दिया है, बस जाग के पहरा देन दी जात दात सानू दे दे। गुरु के सिखो शाम के वेले रह रास्ते पार तो बाद साहब दा आसन सिखा ने तैयार कर दिता है। अज तको ऐ सिख कौम उस प्रीतम की चोजी प्रीतम की खेड़ नूं तक किवें उह भाणा पिया मानदा है। उन्हां दे साहिबजादियां दे आसन लाए, पिता दे कोल पुत्र पाए, प्यारे भाई दया सिंह हजूर दे कोल पए सन। इधर थले सिखां ने की कीता, घोड़ियां दीआं काठियां लाईआं, काठियां दे थले जिहड़े कपड़े विछाए सन उन्हां जील नूं अपना इन्हां ने विछौने बना लिया, बिस्तरे बना लिया, काठियां नूं सराहने बनाया, जीन विछाई, थले कपड़े विछाए, ते जेड़े कोई एक अद्धी चादर सी किसे दा कमर कसा सी तन ते लैके सौ गए। वह कहिंदा देखो तारे टिम टमाउंदे ने, खूणी हसदी पई है कि सवेरे पता नहीं की वापरना है, पर खूणी दा मालक गुरु कलगी वाला सच्चा पातशाह। कहन लगे सारे सिख कोक सुते पए ने, ते कलगी वाले वल झाती मारना पुत्र कोल ने, प्यारे भाई दया सिंह कोल ने, ते रात जदों सारे खामोश हो गए ते चौंकड़ा मार के बैठ गए। हजूर ने अपना चौंकड़ा मारिया, दोनों नेत्र अध मीटे ने, पुत्र कोल सुते ने ते चौंकड़ा मार के बैठे। थोड़ी थोड़ी आवाज आउंदी है कि वाहिगुरु 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 वाहिगुरु, तीमी तीमी आवाज तो बाद इको दम तकिया उठ खलोते ने। गुरु के सिखो बाहर आए ने ते की देखते ने, तारे टिम टमाउंदे ने, अपने नेत्रां नाल असमान वल तकिया ते दोनों हाथ जोड़ के एक अरदास कीती है, हे मेरे परमात्मा के मैं तेरा वा, मेरे पुत्र भी तेरे ने, मेरे सिख भी तेरे ने, बस एक किरपा मेरे ते करी, जिमें अज सुतियां पुत्रां नूं देख के
सुत्तियां सिखां नूं देख के मैं केवल तेरी याद विच जुड़िया वां ते कल इन्हां दे टुकड़े चमकौर दे गड़ी तो बाहर देख के मैनू अंदर दा टिका ते गुरु सिमरन दी दात दे दे। मैं कुछ नहीं मंगदा, मेरे अंदर दी अडोलता मैनू दई। उत्थे जिहड़े शब्द ने मैं कहना सीने नूं चीर जांदे ने। कहन लगे कुछ लेट गए खाक पे जी पोश बिछा कर। जी पोश दा अर्थ मैं कर चुकिया के घोड़िया दियां काठियां थले पाए कोई कपड़े। लेट गए कुछ लेट गए खाक पे जी पोश बिछा कर। पहरा देने लगे कई तलवार उठाकर। गोविंद भी शब वास हुए खेमे में जाकर। देखा तो वहां बैठे हैं गर्दन को झुकाकर। उथे गर्दन झुकाई अब सोच विच नहीं भाने विच। देखा तो वहां बैठे हैं गर्दन को झुकाकर। वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु है निकलता खी तुही तू ही तू है मुंह से निकलता। जब डेढ़ घड़ी रात गुजरी जिक्रे खुदा में खेमे से निकल आए सरकार खवा में। कदमों से टहलते थे मगर दिल था दुआ में। बोले ऐ खुदावंद खुश हूं तेरी रजा में। ते देखो गुरु दा सुपना किए करतार से कहते थे गोया रूबरू होकर। कल जाऊंगा मैं चमकौर से सुरखरू होकर। करतार से कहते थे गोया रूबरू होकर। कल जाऊंगा मैं चमकौर से सुरखरू होकर। मैं तेरा हूं मेरे बच्चे भी तेरे खै मौला। थे तेरे खै तेरे रहेंगे तेरे दाता। जिस हाल में रखे वही खाल है हच्छा। जुज शुक्र के आने का जुबान पर नहीं शिकवा। मैनू जिस तरह रखे मैं तेरे भाणे नू मनागा। कृपा करी मेरे लबां विचो शुक्र ता निकले पर मेरी जबान विचो कदी शिकवे दे शब्द ना निकल। कहिंदे ने पहला तू ही गाउंदे रहे ते मैं सोचना दाता यही ता एक अंदर दी सुरत चुभी है के जेड़ी तेरी सुरत ना ता वेखो सी भावे विचित्र नाटक विच पढ़ने आ के चुभी रही सुरत प्रभ चरणन में। पर गुरु के सिखो ओ सुरत पिता दा शीश वेख के भी नहीं खिंडी। ओ सुरत आनंदपुर तो निकल के परिवार विछोड़े वेले भी नहीं खिंडी। ते ओ सुरत पुत्रां ते सिखां नूं भुखियां देख के भी नहीं खिंडी। क्यों? क्योंकि इस सुरत दे मालक ने कदी पौंटा साहिब दी धरती ते जेड़े तुई दे गीत अलापे सन। मैं सोचना उदन ते सारे सुख सन। पुत्र तेरे कोल सी बाबा अजीत सिंह। तेरे कोल कवि सन दाता। तेरे कोल महल सन। तेरे कोल अनेका सुख सन। अज ता चमकौर दी गड़ी विच कोई सुख नहीं पर हां तेरे कोल तुई दी धुनी ओ है जेड़ी पौंटा साहिब दी धरती विच सुख विच भी तेरे कोल सी। उते साहिब ने कदी लोर विच आके गाया सी के जमी तुही जमा तुही मकी तुही मका तुही अपू तुही अपै तुही अछू तुही अछै तुही। ते छे घंटे कली तुही दी रट लाई। जे अत दे सुख विच तू नहीं भुलिया ते अज दे दुख विच सुरत किवें खिंड जाएगी। हजूर ने अरदास तो बाद की तके के दोनों सिख भाई मदन सिंह ते भाई काठा सिंह हजूर नूं देखिया के दाता जी रात नूं बाहर ए किवें टहलदे पए ने। कोल आके भाई मदन सिंह ने बेनती कीती सतगुरु के आप रात नूं इस वेले क्यों। ते इको इशारा कीता अखां किसे गंभीरता भी जुड़ियां सन। नेत्रां विच नूर दी एक झलक पैंदी पई सी। कहन लगे मदन सिंह खामोश। कोल होके एक बचन किया। कहन लगे एक काम कर दियो। देखो मैं कहना उस कवि ने किन्ना कु करुणा रस भरिया। कहन लगे रात तुसी मंग के सेवा लई सी के चमकौर दी गड़ी दे दरवाजे दी असी सेवा करनी है पर मैं तुहाडे तो कुछ नहीं मंगदा। चुप तुसी कर जाओ मेरे लाल जी बड़े थके हो। सवेरे बड़े लम्मे पेंडे ते चले जाना है ते अज रात तुसी दोनों भरा आराम कर। गुरु नूं पता है कि सवेरे पाणा वापरना है। कहन लगे लाल जी के तुसी रात विश्राम करो। हजूर जी पहरा। कहन लगे अज दी रात दा पहरा मैं सिंघां दा दियां। अज दी रात मैं सिखां दा पहरा दियांगा। दोनों इको दम कंब गए। तुसी कहन लगे बोलो ना उची अज मेरे सिख कई दिनों दे थके डूंगी नींद भी सुते ने। अज रज के सौ लैंदे हो
की पता है कि कल इस तन नींद नसीब होनी है कि नहीं। उन्हें कहा दाता जी जिमें तुहाडा हुक्म, पर जे तुसी कल दी सेवा सिखां विच लै लो। कहन लगे नहीं, कल किन्ने देखी है मदन सिंह, दोनों भरावां नूं विश्राम करा दिता, अज तको गुरु के सिखो। मेरा प्रीचोजी प्रीतम चरणा दा जोड़ा ला के, ऐ खालसा देख इनू अत कथनी ना समझी। अज ओ 40 सिख ने जेड़े पुत्रां दा मोह छड़ के, जेड़े भैणां दा प्यार छड़ के, जेड़े मां बाप की डंगोरी बुढ़ेपे विच बसना सी ओ डंगोरी छड़ के अज कलगी वाले दे पिछे मौत वरन आए ने। कौन तुरदा है किसे पिछे मरन लई? अज मेरा गुरु रात जाके उन्हां दी सेवा करेगा। साहिब कृपालू जी सिखां दे कोल आए, वो मुसलमान लिखदा अल्लाह यार खां जोगी के मेरे दाता जी ने की तकिया के सिखां दे सिर दियां केसकियां जेड़ियां ने ढिलियां पै गईयां, कईयां दे केस जमीन ते ना लगे ने। गुरु के सिखो साहिब कृपालू जी ने की कीता, किसे दी केस की ढिली है उहनूं घुट के उहदे सिर ते बांधे ने, किसे दे तन ते कपड़ा नहीं। जिवें मां बच्चियां नूं रात जा के तन ढक दीए, उहनां दे तन नूं ढकदे पए ने। गुरु के सिखो उहनां दे केस झाड़ के जूड़े बन्ने, उहनां दे सिर ते केसकियां रखियां, उन्हां दे सराहने घोड़िया दियां काठियां तरतीब नाल ठीक कीतियां। पता नहीं मेरे साहिब तो रिहा ना गया, पहला सिखां दे हाथ देखे कृपाना चला चला के खत्थां ते डूंगे जख्म सन, सतगुरु ने जख्म चुमे। मैं कुर्बान जावां उन्हां हाथां तों जिहड़े ईमान नाल गुरु की सेवा विच रहे। जदों आए उन्हां दियां गर्दना गले ना ला के गर्दना चुमियां। ओ गुरु के सिखो जदों पैरां विच कंडे, पैरां विच जख्म, पैरां विच खून ते तुबके जम्मे, ते मेरे कलगी वाले तो रिहा ना गया। उन्हें शहीदां दे पैरां नूं भी अपने लबां दे नाल चुम लिया, उन्हें पैर भी चुमे। हुण इत्थे मैं एक अर्ज करनी चाहना, इहनूं अतकथनी नहीं, मैं यत्न करना इतिहास की वह गल करां जिन्हों बाणी सिद्ध करे। असीं कहांगे लो जी ये तां वधा के गल, वह नहीं उस कवि ने ते वधा के कीती होवेगी। ते इहदे अर्थ की करोगे कि सेव करी इन्हीं की भावत और की सेव सुहात ना जी को। कहिंदे मैं जे सेवा करा ते कल्ली सिखां दी करा, मैनूं तुहाडी सेवा तो बिना होर कोई चंगा लगदा नहीं। सेव करी इन्हीं की भावत और की सेव सुहात ना जी को, दान दियो इन्हीं को भलो, अर आन को दान ना लागत निको, आगे फले इन्हीं को दियो, जग में जस और दियो सफी को, मोग्रह में तन ते मन ते सिर लो, धन है सब ही इन्हीं को। कहन लगे सिखो तुसी सेवा दी गल कर दे, मेरे घर दा तन, मेरे घर दा तन, मेरा अपना मन, तुसी चरणा दी गल कहिंदे हो। जे मेरे सिर दी लोड़ पए मैं सिखां दे पैरां विच अपने सिर रखांगा, क्योंकि मैं तन मन धन सब कुछ अपने गुरसिखां तो बाहर ना पियां। मैं कहना कि कल्ले कलगी तरदे नहीं, कदे गुरु ग्रंथ साहिब नूं पुछो कि ए ओ गुरसिख नहीं जिन्हां बारे गुरु अर्जुन देव कहिंदे ने गुरसिखी भाणा मन्निया, गुर पूरा पार लंघाए, गुरसिखां की खर धूड़ देख हम पापी पी गत पाए। कि अज ओ सिख नहीं जिन्हां बारे बाबा कहिंदा जो दिसै गुरसिखड़ा तिस निव निव लागू पाए जियो। कि ए ओ सिख नहीं जिन्हां बारे भाई गुरदास कहिंदे ने मेरी खलो मौजड़े गुरसिख हंडांदे, मस्तक लगे साध रेण वड भाग जिन्हां दे। उत्थे उस अदीब ने जेड़े शब्द वरते ने, वो कहिंदा है कि साफे कभी सिंगों के उठाते थे जमी से। साफे दर सिर दियां केसकियां सिखां दे केसकियां साफियां नूं चुकदे पए ने। साफे कभी सिंगों के उठाते थे जमी से, केस उसके झाड़े लिखात उसकी जमी से, सर ठीक किए सरके हुए बाल शी जी से, तरतीब दी हर चीज को ला ला के कहीं से। अगे उन्हें की खोका लेके गल कही, कहिंदा हाशा हे अल्लाह किसी मुर्शद में ये असियार नहीं है। कहिंदा किसे भी पैगंबर विच अपने भगतां लई ए प्यार नहीं जेड़ा कलगी वाला शहीद होने वाले सिंघां लई प्रगट करदा पिया है। हाशा किसी मुर्शद में ये असियार नहीं है, ये प्यार किसी पीर में जिनहार नहीं है।
अगले उन्हें शब्द कह, जिन सिंहों ने कल मौत के साहिल था उतरना, कल सुबह था जिन खालसों ने जंग में मरना, बाली से शहीदों के कुआ जब के गुजरना, किता की चूमा कभी खलकूम दान चूमने बैठे, जब गुरु जी पैंती आए तो सिंहों के चरण चूमने बैठे। गुरु के सिखो सिंघां दे केस झाड़े, सिंघां दे सिर ते केसकियां बनियां, उन्हां दे चरणां नूं पकड़िया, सिंघां तो लंघ के अपने दोनों पुत्रां कोल गए। उस दृश्य नूं उस सज्जन ने बड़ा करुणामय ढंग नाल पेश कीता। कहिंदे ने बाबा अजीत सिंह ते बाबा जुझार सिंह दोनों पुत्र जमीन ते लेटे ने, फिर क्या थे चार इको दम पानी विच आ के, जदों घरों तुरिया सां आनंदपुर तो चार लैके आया सां, सरसा ने मेरे दो कर दिते, चमकौर ने मेरे दो लै लेने ने, पर पुत्रों घबरायो ना, तुहाडी शहादत तो बाद मैं तुहाडे लई रब दे चरणां विच अरदास करा। थे चार हो अब दो ही, सार ये भी ना होंगे, हम सब्र करेंगे अगर ये भी ना होंगे। परमात्मा तेरा सब्र में शुक्र करांगा जे ये भी ना होंगे। फिर अगे अगला जेड़ा उन्हें शेर के है, एक पिता दा अंदर है, ये ना तकियो कि मेरा गुरु केवल पत्थर दी तरह कठोर है, तुसी पुत्रां वाले हो, ओ गुरु के सिखो, जिदा पुत्र चला जाए मौत हो जाए, उस मां दे अंदर नू पुछ के देखो दे ते की वापर दी। उथे कृपालु दाता जी ने कहा, कह लगे फुरमाते थे कल दोनों ही परवान चढ़ोगे, दुख पोगेंगे हम खुल्द में तुम चैन करोगे, धोते ही शहर दागे जुदाई हमें दोगे। कह लगे सुपने में आके खबर कभी बाप की भी लोगे, खे मेरे बेटा के सवेरे इस वजूद ने नहीं रहना, कदी सुपने भी चलकारा मिलेगा तुम्हारे खेड़द्या का, कदी सुपने भी चलवारा मिलेगा पिता के सामने बैठिया। फुरमाते थे कल दोनों की परवान चढ़ोगे, दुख पोगेंगे हम खल्द में तुम चैन करोगे, खोते ही साहिर दागे जुदाई हमें दे दोगे, सपने में आके खबर कभी बाप की भी लोगे। ऐ मेरे अजीत, अखीर ते शब्द सन सुत्यानु, ऐ मेरे अजीत, ऐ मेरे जुझार प्यारे, हम कहते हैं कुछ सुनते हो दिलदार प्यारे, जो मैं कहना मेरे बच्चे हो तुसी सुनते हो, रात लंघी है बापू नहीं सुता, सिखां दा गुरु नहीं सुता, सवेरे अमृत वेले भिन्नी रहनड़ी होई है, आवाज देख के पुत्र उठाए ने, प्यारे पंज उठे ने, नाल मरजीवड़े उठे ने, अमृत वेले दा दीवान सजया है। 22 दसंबर दा अदुत्ती जंग दुनिया दा शुरू होन लगा है, मैं अदुत्ती तां कहन लगा कि इस जंग विच सिख तां बचाए जाणगे पर पुत्र सामने को के शहीद कराए जाणगे। उधर चार चबेरे जबरनामे दे मुताबक 10 लाख दा अकंठ सी जिन्हें चमकौर दी गड़ी नूं घेरिया। साहिब कृपालू जी ने उस वेले जिहड़े जबरनामे भी शब्द वरते, ते मैं ओ बेनती करनी चाहना क्योंकि जंग तो पहला कुछ घटनावां वापरियां ने, ओ शेर मैं बाद विच अर्ज कर देना। पहली घटना ए सी, बार मुलखैया है वजीर खां लाहौर दा सूबा, मलेर कोटलीए जे सजरे नौजवान लैके आए, उन्होंने कहा एक काम करो, डॉक्टर लतीफ लिखदा है कि एक एलची भी अपना भेजिया, वो आया, उन्हें आके कहा कि गुरु गोबिंद सिंह नूं मैं लतीफ के शब्द ने कि तुसी अपने आप नूं समर्पित कर दियो, ते उन्हें कुछ गैर वाजिब जै शब्द बोले, जदों वो कुछ उन्हें भैड़े शब्द बोले ते बाबा अजीत सिंह ने कृपान धूली ते एलची नूं शब्द कह सन, चेते रखी साडे घर तू एलची बन के आया है, जे किते तू मैनू थले टक्कर गयो फिर तेरिया मेरिया गल्लां होणगियां, कोई समझौता नहीं, हुण अपने मिलाप मैदाने जंग विच होणगे। उत्थे जदों एलची वापस गया फिर शाही फौज ने पहाड़ियां ने इन्हां ने सोचिया कि गुरु गोबिंद सिंह नूं इह किन्ने कु सिख ने, आपां पौड़ी ला के पकड़ लैने आ। गुरु के सिखो पहला जिहड़ा सज्जन सी पौड़ी ला के चढ़न लगा, इहदा नाम सी नाहर खां, पौड़ी ला के चढ़िया, इन्हे उत्ते गढ़ी दी दीवार तो सिर उच्चा कढ़िया कि मैं देखा किन्ने सिख ने किवें पकड़ सकने आ, मेरे कलगी वाले ने इहदी ओपर वाली खोपड़ी तकी, जदों इहदियां अखां दिसियां
ते एक तीर पत्थे तो कढ़ के इस नार कांदियां अखां विच परो के धरती उत्ते सर दिता। पहला तीर कलगी वाले ने चमकौर की गड़ी भी चलाया, ये अजे थले डिग्या, ये ते श्वास पूरे हुए। ते दूसरा गनी खां आया, कईयां ने गैरत खां लिखिया, इन्हें पौड़ी लाई, कलगी वाले ने उत्तो गुरज मारिया इहदे सिर विच, ते सिर दी मिज बाहर निकल आ गई, जमीन ते डिग पिया। तीसरा आया ख्वाजा महमूद, मेरे सतगुरु ने जफरनामे विच ओनू ख्वाजा मरदूद लिखिया। वेखो मैं सोचना कि जफरनामा जित की चिट्ठी है, ते वार वार सतगुरु चमकौर की गड़ी दे साके की गल करते हैं। उहदे मैं कुछ कुछ शेर आप नाल सांझे कर देना। पहला बचन उन्हां क्या औरंगजेब तू कदी गिरवान भी झाती मार के देख, कई मखीनिया दे चाली भुखे जिन्हां नूं रोटी नहीं मिली, केवल रब दे आसरे ते जीण वाले चाली उन्हां नूं दस लख ने घेरा पाया है, ते अपनी जमीर नूं पुछ के देखे किते टाकरा सी। दूजा गल उन्हां कही कि तेरे आत्मिया ने कसमा चुक के मुकरे, ते तीरां बंदूकां नेजियां नाल कसमा तोड़ियां, ते चेते रखी मैं इन्हां दी कसम ते भरोसा कीता, पर जदो तीर ते तलवारां लैके आए मैं लाचार हो गया मैदान विच उतर लई। ते एक गल मैं तेनूं लिख के कह देनी चाहना कि जदो सारिया किलियां तो पानी टप जाए उदो सिख दा काम है कृपान नूं हथ बन। ये नहीं कहा भी मैं नहीं लड़िया, जेड़े चार शेर ने कहन लगे गुरसना चे कारे कुनद चे हल नर, एक पासे चाली भुखे पाने सिख के दस लख बरायद बरो बेखबर, दूजे पासे दस लख मुलखिया भुखे पाने सिखां ते टुटे, गुरसना चे कारे कुनद चे हल नर के दस लख बरायद बरो बेखबर। कहन लगे के पैमा शिकन बेद रंग आम तंद, के कसम चुक के मुकरन वाले आए, फिर किन्न मैं मजबूर हो गया बाल लाचार की दर में आ आम दंद, कह लगे बात तदबीर ए तीरो कमा आम दंद। अखीरला शेर सी कह लगे चूकार अस हमा खील ते दर गुजस, ये चमकौर की गड़ी नाल संबंधित है। चूकार अस हमा खील ते दर गुजस हलाल अस्त बुरदन बा शमशीर दस्त। साहब कृपालू जी ने उते फिर नार खां का जिक्र किया है, तेरा आदमी आया मैं तीर नाल परोया, ते एक जेड़ा शेर उन्हें कहा है कह लगे चमकौर की गड़ी विच सिर्फ मैनू एक अफसोस है, वह अफसोस यह नहीं कि पुत्र शहीद होए, वह अफसोस यह नहीं कि मेरे सिख शहीद होए। कह लगे ख्वाजा मरदूद आया सी ओ इको दम सिर लुका के चला गया, मैनू अफसोस है जे किते मेरिया अखां दे सामने आउंदा ते एक तीर मैं उहदे सीने विच परो के रख देना, बस अफसोस वो बच किवें गया। वो शेर है डरेगा अगर रूवे आदीद में, अफसोस के जे किते मैनू उहदा चेहरा दिस पैंदा, बाय यक तीर लाचार बख्शीद में, एक तीर मैं उहदे सीने च परो के बख्श देंदा, बस अफसोस ख्वाजा मरदूद बच के किवें गया। दुनिया दे लोगो अज अदुत्ती जंग शुरू होने लगी है, 22 दिसंबर 1704 है, ते एक मैं आरंभ विच अर्ज कर देनी चाहना। सिखो 22 दिसंबर हरी राम गुप्ता द हिस्ट्री ऑफ सिख गुरुज, उहदे विचों ने एक गल कही, वह कहिंदा है कि 22 दिसंबर 1704 नूं गुरु गोबिंद सिंह जी का अपना आगमन पुरब सी, 39वां जन्मदिन सी उस दिन गुरपुरब सी गुरु गोबिंद सिंह का। कहन लगे पिता का आगमन पुरब सी ते पुत्रां दी शहादत वाला दिन सी, अज 22 दिसंबर बापू का आउण का दिन है ते पुत्रां दे जान का दिन बनना है। 22 दिसंबर 1704 का यह अदुत्ती जा दिन चढ़िया है। हजूर कृपालू दे कोल सिख आए ने, साहिब सच्चे पातशाह ने अपनी तकरीर दिती, सिखां दे पंज पंज दे जथे बनाए ने। कई सज्जन कहिंदे ने कि 8 जथे बनाए सन पंज पंज सिंघां दे, प्यारे भाई दया सिंह इन्हां दी अगवाई पै करदे ने। सोचिया कि आपां गड़ी विचों रह के वार करांगे, पर उधरों 10 लख दे टिड्डी दल ने कहा कि इको दम हमला बोलो, ये 40 साडे सामने की ने, ये मुठ्ठी पर सिख असी हुणे खत्म कीते। साहिब कलगी वाले दे सामने जदों ये सिख घड़ी दे अंदर ने
बारों हमला इको दम कर लगे ने ते प्यारे भाई हिम्मत सिंह जी उठ के सामने आए ने। गुरु के सिखो कई कहिंदे ने बाबा अजीत सिंह नल गए, कई कहिंदे ने पहला जथा प्यारे भाई हिम्मत सिंह ने खत जोड़े, हे सतगुरु तेरे चरणा विच मैं एक बेनती कर लगावा, कृपा कर जिथे तेरे चरण पै गए ये साढ़े गुरु का घर है, जे इन्हां ने बाहरों आके हमला इस गड़ी ते कीता एक हमला मेरे गुरु ते हमला समझा जाएगा, मैं नहीं चाहता कि साढ़े जिंदियां इस गड़ी वाल कोई वधे, मैनू इजाजत दियो मैं रण तत्ते विच जूझना चाहना। पंजां प्यारियां विचों प्यारे भाई हिम्मत सिंह नू अपने सीने नाल लाया है, कह लगे सिखा मैनू भरोसा है तू तो उस दिन ते ही अपना सिर दे चुका है, जितन मेरी आवाज ते तू उठ के अपना सिर भेटा केसगढ़ साहब की धरती ते कीता सी। प्यारे भाई हिम्मत सिंह निकले ने नाल उन्हां दे सिंह गए ने, इको दम दुश्मन दे दल ते ताई करके पै गए, कहिंदे चीर के निकल गए दुश्मन नू ते विचो आवाज आई ओ जेड़े गुरु ने पंज प्यारे बनाए जे उन्हां पंजां प्यारियां विचो एक प्यारा जे, चार च फेरे दुश्मन वध के आया, प्यारे भाई हिम्मत सिंह हिम्मत दे नाल जूझे ने, कलगी वाले ममटी ते खलोते शाबाश देंदे रहे, अखीर ते तकिया पंज सिंह जेड़े नाल तुरे शहीद हो गए। प्यारे भाई हिम्मत सिंह उन्होंने शहादत का जाम पीता, दूसरा जथा तैयार होया, सतगुरु सानू आग्या दियो, कहन लगे दूसरा दसा तोड़ दिता, दरवाजा गड़ी का खुलिया, दुश्मन ते टुटे किन्ना समा जूझ के लखा नाल समा लाख से एक लड़ाऊ वाला बचन सच कर दिता, हजूर दे ए भी जथा शहीद हो गया। तीजा जथा तोरिया, जदो तीजा जथा शहीद होया ते प्यारे भाई दया सिंह जी कोल आ गए, उन्हां दे शब्द सन के दाता जी चार चुफेरे दुश्मन ने अत चुकी है, मैं तुहाडे चरणा विच इक बेनती करनी चाहना। हजूर ने कहा दसो दया सिंह जी, दाता जी अपने लाला नू अपने साहबजादियां नू पुत्रां नू लैके किसे तरीके नाल इथों निकल जाओ। सतगुरु ने मोढ़े ते खत रख के कहा दया सिंघा एक गल चेते रखी, मैं पुत्रां ते सिखां विच कदी फर्क नहीं जाणिया, इकल्ले जीते जुझार नहीं, मैं पुत्र बचा के नहीं जाना, देख मेरे सिख मेरे पुत्रां तो वध प्यारे ने, पता नहीं अजे शब्द ए जबान तो क्या ते इनी देर नू 18 साल दा पहले वड्डे साहिबजादे बाबा अजीत सिंह उठ के सामने आए कि पिता जी कि मैं तुहाडे चरणा विच इक बेनती करनी चाहना, दसो लाल जी कि एक कृपा करो 27 सिंह तकरीबन बाबा अजीत सिंह तो पहला शहीद हो चुके सन, दाता कि तुसी हुक्म दियो कि मैं मैदाने जंग विच जूझा, उस वेले चमकौर दी गड़ी कंबी होवेगी, उस वेले दया सिंह उन्हां दे मन ते की बीती होवेगी कि जदों 18 कु साल दा गुरु दा पुत्र रण तत्ते विच जूझण लई आग्या पे मंगदे ने। हजूर ने बड़े प्यार दे नाल प्यारे बाबा अजीत सिंह नू अपने सीने दे नाल लाया ते शब्द कैसन कि मेरे लाल जी मैं तेनू होर कुछ नहीं कहना चाहता, सिर्फ इनी गल कहना चाहना कि तेरिया रगां विच ओदा खून है जेड़ा कदी तत्ती तवी ते बैठा सी, तुहाडियां रगां विच ओना दा खून है कि जिन्हें चांदनी चौंक विच अपना सिर दा ठीकरा तन दा ठीकरा बन दिता सी। ते तीजी गल मैं सिर्फ तेनू ये कहनी चाहना मेरे लाल जी, मेरी गल नू समझ लई कि तू गुरु गोबिंद सिंह दा पुत्तर है ते जिद्दन तेरा जन्म होया मैं पहली जंग जीती है, ते चेते रखी मेरे लाल रण तत्ते विच जा पर मुंह पवा के जंग तो पेट दिखा के मेरे वल आई, मैं चाहना तू जाए ते बच्चा मैं तक्का ते तेरे तन दे टुकड़े खुंदे खो शहीद हो जाई परत के ना आई। वो केड़ा दुनिया दा प्यो होए जेड़ा अपने पुत्र नू ए कहे कि मैं देखना चाहना तेरे टुकड़े खोण। साहब दाते ने जदों भेजिया ते जोरे तेग वाले उर्दू दी एक नजम लिखी है, वो कहिंदा बाबा जी दे बचन सन पिता जी नाम का अजीत हूं जीता ना जाऊंगा, मेरा नाम अजीत सिंह रखिया जे ना कोई ताकत वाला मैनू जित के ले जा नहीं सकेगा,
नाम का अजीत हूं, जीता ना जाऊंगा, जीता तो खैर हार के जीता ना आऊंगा। जे किसे जितन दा यत्न कीता मैं जौंदियां पिछानी आउणा। गुरसिखो आप ड्योड़ी दा दरवाजा खोले है, पुत्तर नू तोरे है, तोर के प्यारे दया सिंह नू ते छोटे लाल बाबा जुझार सिंह नू दोनों नू लै के ममटी ते आ गए ने, ते नाल कहिंदे ने जुझार सिंह नू बेटा के देख तेरा वीर रण तत्ते विच किवें जूझदा है। गुरु के सिखो गुरु कलगीधर जी दा वड्डा लाल, माता सुंदरी दा लख ते जिगर, जिन्नू लाडा चावां नाल पालिया, 18 साल की उम्र चमकौर की गड़ी तो बाहर निकलिया, दुश्मन ते ताई करके पै गया, ते ओ कहिंदे जिवें आसमान तो बिजली चमकदी होवे, पत्थे चो तीर कढे, बाबा अजीत सिंह ने तीर कईआं विचों परो के पार कर दिते, पत्थे दे तीर मुक गए। गुरु के लाल ने अपने हाथ विच नेजा पकड़िया, नेजे नाल कईआं नूं परो दिता, ते कलगी वाले ममटी ते खलोते हस के कही जान दया सिंह देख अज जंग दा नजारा ही कुछ वखरा। उधर आवाज आई मुलखइए विचों के गुरु गोबिंद सिंह दा वड्डा पुत्र जे तक्कियो ए जिउंदा जाए ना, एदे टुकड़े कर दिओ पता लग जाए, पर इन्हां शदाइयां नूं पता नहीं ओनू तुसां की दिखाणा है, ओह तां ममटी ते इस घड़ी दी इंतजार पिया करदा है, तुसीं मेरे पुत्तर दे नाल जूझो तां सही। बाबा अजीत सिंह पहला तीर पत्थे दे मुके, परत के नेजा कढ़िया, नेजे नाल कई परोए, अचनचेत एक तुरक दे सीने विच नेजा मारिया, ते संजो दे विच नेजा जदो धसिया परत के कढ़न लगे, ते उस नेजा जिहड़ा सी अगो टुट गया, केवल वांस दा टुकड़ा हाथ विच रह गया। चार चपेरे दुश्मन इको दम गुरु के लाल ने अपनी कृपान धूली, कहिंदे ने कृपान नाल कईआं दे आउ लाए, रब दी करनी के बाबा अजीत सिंह दी कृपान दो टुकड़े हो के जमीन ते डिगी, बिल्कुल हाथ विच कोई शस्त्र नहीं, इको दम कई कृपाना, कई नेदे, कई तीर, कई शस्त्र बाबा अजीत सिंह दे सीने नू, ओदे चेहरे नू। एदा एक गल ध्यान रखियो के दुश्मन अनहोनी करदा है, एदा मतलब ए नहीं के कल्ला एक तीर मारिया होवेगा, जदों नेजा नहीं, तीर नहीं, कृपान नहीं, इको दम उन्हां ने तीरां दी बाछड़ कीती मेरे कलगी वाले दे पुत्र दे सीने विच, उन्हां ने थां थां ते छाती विच तीर परो दिते, उन्हां ने वार करके कलगी वाले दे पुत्र दे सीने नूं चीर दिता, ते जदों बाबा अजीत सिंह इको दम धरती ते डिगे, ते इको दम धरती ते डिगदिया सार शस्त्रां दे वार शुरू होए, ते ओ तो ममटी विचों जदों तकिया कि मेरे पुत्र ते टुकड़े हो गए, मेरा पुत्र शहीद हो गया, ते उच्ची सारी आवाज विच कहा कि जिस की बस तिस आग्या राख है, प्रभ की आग्या मन है मत है, उस ते चौगन करे निहाल, नानक साहिब सदा दया। अज कलगी वाले दा पहला पुत्र दोपहर ढलन तो बाद 22 दिसंबर 1704 नूं शहीद होया। प्यारे भाई दया सिंह बोले नहीं, चुप कर गए, आखिर मन नाल किवें बोल के कहिंदे। इन्नी देर नूं हजूर कृपालू जी थले उतरे, ते तकिया बाबा जुझार सिंह उठ के आए, कदी तकियो इथे जदों बाबा अजीत सिंह शहीद होए, ते कलगी वाले ने एक उर्दू विच शब्द कहा, उस विद्वान ने लिखा है, कहन लगे शाबाश पिसर खूब दलेरी से लड़े हो। शब्द सन के शाबाश पिसर खूब दलेरी से लड़े हो, हां क्यों ना हो गोविंद के फरजंद बड़े हो, क्यों ना होवे, आखिर मेरा तू वड्डा पुत्र है, मैनू तेरे ते मान सी मेरे लाल जी। हजूर थले आए, ते इन्नी देर नू जते खोर तुरे ने, गुरसिखो दो पुत्रां दा पता कोई नहीं के केड़ी थां ते ने, किस थां ते केड़ी अवस्था विच होणे ने, एक सामने टुकड़े टुकड़े हो गया है। बाबा जुझार सिंह आए, उन्हां दे शब्द सन पिता जी, हजूर ने परत के देखिया, कह लगे कौन, जुझार जी तुसी, ते अगो शब्द सन पिता जी के भाई से बिछड़ कर हमें जीना नहीं आता, देखो असी कसे खेडे हां, कट्ठे पले हां, इको जे कपड़े लेके दिते, इको घर विच रहे, पर मेरे तो बर्दाश्त नहीं हुंदा, ओ चला जाए
ते मैं पिछे रह जा, मैं सिर्फ तुहाडे तो इजाजत लैण आया, मैनू मेरे वीर दी गोद विच ओहदे नाल इकट्ठिया जान दे। शब्द सन के भाई से बिछड़ कर हमें जीना नहीं आता, सोना नहीं, खाना नहीं, पीना नहीं पाता, मैनू कुछ भी चंगा नहीं लगता। प्यारे भाई दया सिंह अखां नाल सारा माजरा तके है, मानो के दिल करदा सी कलगी वालिया अपने तन के टुकड़े करा, ते जिन्ना राह ते तू लंघना मैं बिछा दिया के ए कौम तेरा कर्ज कदी उतार नहीं सकेगी। प्यो ते पुत्र दी गलबात सुनी 14 साल दे जुझार ने, जदों ए शब्द कहे बाबा जुझार सिंह ने, हजूर ने उत्थे कहा सी, कह लगे बेटा, शब्द सन के हमने ही कहा था बाप को जान दीजै धर्म पर, हे मेरे लाल मैं बापू नू भी तोरिया ते अज मैं वड्डियां भागां वाला वा, मैं अपने पुत्रां नू भी तोरना पिया। कदी तक्यो, मैं बापू दा शीश भी तकिया, मैं पुत्रां दे तन दे टुकड़े भी तकांगा, मेरे भाग चंगे ने बेटा। हमने ही कहा था बाप को जान दीजे धर्म पर, लोग कहते हैं अब आपको जान दीजे धर्म पर। उथे जड़े शब्द ने, मैं कहना कदी उस शीश नू तको, ओ गुरु के सिखो, इको एक 14 सालां दा पुत्र कोल है, एवें नहीं किसे अदीब ने कहा, मैं उन्हूं पढ़िया पंजाबी दे शायर नू, ओ कहिंदा है कि कलगी वाले दे संबंधी के तेरे नाल मैं दिया तशबी किनू, मैं तेरे बराबर किनू खड़ा करा, तेरे नाल मैं दिया तशबी किनू, हर एक गल पी जाप दी ओपरी है, ढाके तेग नहीं पिता दी पसली है, हाथ विच ढाल नहीं पुत्र दी खोपड़ी है, तेरे नाल मैं किदी तुलना करा। साहिब कृपालू ने उथे बाबा जुझार सिंह नू तैयार कर दिया, ये शब्द कहे सन, कह लगे बरराई सी आवाज में बोले गुरु गोबिंद, आखर उते शब्द ने बड़ी गंभीरता दी आवाज सी। प्यारे भाई दया सिंह कुछ नहीं सन कह सकते, बरराई सी आवाज में बोले गुरु गोबिंद, कह लगे बेटा पाला है तुम्हें नाज से बोले गुरु गोबिंद, बड़े लाडा नाल तेनू पालिया है। बरराई सी आवाज में बोले गुरु गोबिंद, पाला है तुम्हें नाज से बोले गुरु गोबिंद, उस नन्हे से जांबाज से बोले गुरु गोबिंद, ते की शब्द वरते के लो आओ तन पाक पे हथियार सजा दे। मेरे पुत्र कदी तको इथे एक रस भरे है, एक विद्वान ने वो कहिंदा मानो अज बाबा जुझार सिंह मौत नू वरन चले ने, जे किते मां हुंदी ते पुत्र दा विआह करदी ते सोहणे जोड़े पहनांदी, सोहणी दस्तार सजांदी, अज पिता पुत्र नू मौत वरली तोरदा पिया, ते नाल शब्द की कहने के मेरे लाल मैं जान तो पहला तेरा शिंगार आप करना चाहना। प्यारे भाई दया सिंह देखदे पए ने, बरराई सी आवाज में बोले गुरु गोबिंद, पाला है तुम्हें नाज से बोले गुरु गोबिंद, उस नन्हे से जांबाज से बोले गुरु गोबिंद, रोका नहीं आगाज से बोले गुरु गोबिंद, ले आओ तन पाक पे हथियार सजा दे, छोटी सी कमान नन्ही सी तलवार सजा दे। जदो शस्त्र दिते अपने जेड़ा लक नाल कमर कस्से विच खंजर सी कट के दे के जुझार दे कमर कस्से विच खंजर रख के कह लगे बेटा के हम देते हैं खंजर इसे शमशीर समझना, नेजों की जगह दादा का तुम तीर समझना, जितने मरे इसे उन्हें बेपीर समझना, बस एक काम करी मेरे लाल, पूछया पिताजी की, कह लगे जख्म आए तो रोना नहीं दलगीर समझना, जब जख्म लगे तेरे सीने विच कोई वार होवे ते मेरे बच्चिया 14 साल दी उम्र है वेखी सी ना करी, जख्म आए तो रोना नहीं दलगीर समझना, जब तीर कलेजे में लगे सी नहीं करना, जदो तेरे कलेजे विच तीर बजेगा मैं यतन करांगा तेनू अपने तीरां दी छां थले जंग विच लैके जांगा, पर जदो तेरे सीने विच तीर बजे ते सी ना करी अंतले समय तेरी जबान विचो वाहिगुरु निकलदा होवे, जब तीर कलेजे में लगे सी नहीं करना, उफ मुंह से मेरी जान कभी भी नहीं उचरना। देखो सिखो अज तको अदुत्ती जंग जे प्यारे कोल देखदे पए ने, भाई धर्म सिंह, भाई मान सिंह, भाई साहब, भाई दया सिंह, भाई संत सिंह, भाई संगत सिंह, बाबा जुझार सिंह तुरन लगे ने,
तुर दिया शब्द कहे, सारे शस्त्र सजा के लो जाओ सुधारो तुम्हें अल्लाह को सौंपा, मर जाओ जा मारो तुम्हें अल्लाह को सौंपा, सिखी को उभारो तुम्हें अल्लाह को सौंपा, रब को ना बिसारो तुम्हें अल्लाह को सौंपा। मेरे लाल जी वाहेगुरु अब जंग की कीमत तुम्हें बख्शे, प्यासे को जात जामे शहादत तुम्हें बख्शे। तुसी चले हो तुहानू जांदिया सार शहादत दा जाम मिले। बाबा जुझार सिंह तुरे ने मेरी बेनती वाल तवज्जो दिया जे, गुरमुखो इथे अखीर दे शब्द कैसन, बेटा तुम ही हो पंथ के बेड़े के खवैया, सर भेंट करो ताके धर्म की चले भैया। बेटा तुम ही हो पंथ के गेड़े बेड़े के खवैया, सर भेंट करो दां के धर्म की चले नैया, ले देख के तुम ही ते मेरे गुलशन के बकैया, लो जाओ रा तकते हैं खल्द में भैया। बस मेरी एक इच्छा अंतली पूरी कर दी। जुझार सिंह तुरदिया पूछया, पिता जी हुक्म? कह लगे लाल जी मेरी इच्छा ए पूरी करी के जदो तेरी छाती विच तीर वजन, बस एक वरी मुंह मेरे वल कर ली, मैं तेरी छाती विच वजे को तीर देखने जाना। बस मैं कहना दुनिया दे लोगो साडा पुत्र 6 महीने साल दा हुंदा है, असी कहने मेरी ख्वाहिश है मैं उस दिन दी उडीक विच आ जिद्दन मेरा पुत्र डॉक्टर बनेगा, मेरा पुत्र इंजीनियर बनेगा, मेरा पुत्र लायर बनेगा, मेरा पुत्र राजनेता बनेगा। पर कलगी वाला कहिंदा मैनू उस छिन दी इंतजार है जदों तेरे सीने विच तीर वजनगे ते तेरा मुंह मेरे वाल होवेगा। कहन लगे कि बेटा तुम ही हो पंथ के बेड़े के खवैया, सर भेंट करो ताके धर्म की चले नैया, ले देख के तुम ही ते मेरे गुलशन के बकैया, लो जाओ रात तकते खल्द में भैया। ख्वाहिश है कि तुम्हें तेग चलाते हुए देखें, हम आंख से तुम्हें बर्शी खाते हुए देखें। बस मेरिया अखां नूं बर्शी जां नेजा वजदियां दिखा दें। गुरसिखो प्यारे भाई दया सिंह बाबा जुझार सिंह नूं तोरन नाल गए ने, एक पासे कलगी वाला एक पासे पंजां प्यारियां विच्चों सब तो पहला तुरे प्यारे भाई दया सिंह। चमकौर गढ़ी का दरवाजा खुलिया, पुत्र नूं तोरिया, आप मेरे सच्ची सरकार आके ममटी ते खलो गए ने। कीता कीए दया सिंह जी मेरे पत्थे नूं तीरां नाल भर दिओ, मेरे पुत्र की उम्र 14 सालां दी है, मैं चाहना कि अजीत तो अगे वध के 4 कदम शहीद होवे ते मैं अपने पुत्र नूं अपने तीरां दी छां थले तोरांगा। इधर बाबा जुझार सिंह जूझे ते बाहरों आवाज आई, ए गुरु गोबिंद सिंह दा दूजा पुत्र जे जिउंदा ना जाए। ते उस वेले कृपालू जी ने आवाज दे के कहा, जुझार अज तू अपने आप नूं खुद पेश कीता है, जे तेनू मैं आवाज मार के तोरदा कौम विच कमजोरी आउणी सी। चेते रखी जदों भी किते कौम ते सिरां दी लोड़ पैगी, बिना बुलान तो तेरी उम्र ते जुझार पता नहीं घरां नूं छड्ड के तुर पैणे। हकीकत है हजूर ने ममटी तो तीरां दी छां कीती, मैं ना किहो जिहा तेरा दिल सी दस्सदिआं, एक पुत्र सामने टुकड़े पिआ है, दूजे नूं तीरां थले लिजाना पिए, धड़ाधड़ तीरां दी छां थले तीर ते तीर छड्डिआ, उत्ते पिता ते तीरां दा छाया, थले पुत्र रण तत्ते विच जूता पिआ। कहिंदे ने बाबा जुझार सिंह अपने वित्त मुताबक इन्हां ने तीर चलाए, इन्हां ने तलवार चलाई, मेरे कलगी वाले दे तीरां दी छां थल्यों सके वीर दे तन कोलों अगे निकल गए। ते जदों सारे शस्त्र खुंडे हो गए ते अचनचेत कहिंदे जिवें मानो कि गुलाब दे फुल विच कोई तिखा कंडा चबो दे, कोमल जिहा शरीर सी, इको दम 5-6 कठे तीर बाबा जुझार सिंह दे सीने नूं विन्न के चले गए। जदों तीर वजे ने इको दम अपना चेहरा ममटी वल खलोते, मानो पिता गुरु वल कीता सी, बापू के देख तेरी पग ते कोई उंगल नहीं चुकेगा, मैं तेरे पुत्र ने सीने विच वार खादे ने पेठ विच नहीं। जदों सीने विच तीर वजे ने जमीन ते डिगे ने, इको दम शस्त्र कटन लगे ते ममती ते खलोतिया जकारा बुला के क्या के पराई अमान क्यों रखी है दित्ती खुशक होए। दुनिया दे लोगो उधर 22 दिसंबर का सूर्य छिपदा पिया सी ते इधर बाबा जुझार सिंह दे प्राण निकलदे पए। साहिब किरपालू
गुरु कलगीधर सच्चे पिता जी थले उतरे ने। इत्थे शीतल साहब ने एक गल बड़ी सोहनी कही है, जदों थले उतरे ते प्यारे भाई दया सिंह उन्होंने कहा दाता, बस इको शब्द कहा दाता, बस अगो गला नहीं चलिया। मैं कहना इन किन्ना शब्दों नाल, ये कोई नाटक की कहानी नहीं कि झूठी मूठी कोई मर गया उन्हें उठ पैना है। वह हद होगी जिदे सामने दो पुत्र शहीद हो गए ते दया सिंह की जबान की बोलेगी। इत्थे शीतल साहब ने एक शब्द कहा है, कहिंदे ने खास शहीदी पा गया जद लाल छुटेरा। भाई दया सिंह कोल खलोते ने, हस शहीदी पा गया जद लाल छुटेरा, अखा सामे हो गया ओ बेरा बेरा, उंगल ला के लै गया ओनू वीर वडेरा, जोड़ी जोड़ी हो गया परिवार बथेरा, हाथ बन बोले सतगुरु वाह भाणा तेरा, तेरा तुझको सौंपते क्या लागे मेरा, हुक्म रजाई चलना जो करे चंगेरा, पंथ वसे मैं उजड़ा मन चाओ कनेरा, खोवा तेतो सुरखरू प्रण पाल उचेरा। वो अखीर ते कहिंदे सन वाह वाह गोबिंद सिंह वाह तेरा जेरा, तेरे वर्गा जिगर तेरे वर्गा जेरा किसे दा नहीं। पुत्र शहीद हो गए, 22 दिसंबर की रात आई है, उत्थे फिर अल्लाह यार खां कहिंदा लोगो अज इंसाफ करके कह दियो, इंसाफ करे जी में जमाना तो यकीन है, कह दो गुरु गोबिंद का सानी की नहीं है। इंसाफ करे जी में जमाना तो यकीन है, कह दो कि गुरु गोबिंद का सानी ही नहीं है, करतार की सुगंध नानक की कसम है, जितनी भी खुद गोबिंद की तारीफ को कम। मैं इत्थे बेनती करना उन्हें गुरसिखो गुरमता कीता ते असी बड़े शब्द कहने जक लखत क्या गुरु गोबिंद सिंह तू गड़ी गाली कर दे। मैं कहना किस सिख का अंदर कहेगा गड़ी खाली कर दे जिन्हें सामने प्यो ते पुत्रां दे टुकड़े हुंदे तके हो। उदी जबान कह के उथे गुरमता कीता ते शब्द ए संदाता के साडे वर्गे लखां तेनू मिल जाणगे ते सवेरे भाणा वापर गया तेरे वर्गा कोई नहीं लभणा। साडे वर्गे कई दया सिंह पैदा कर लेगा पर दाता तेरे वर्गा कितों मिलेगा। गुरमता होया हजूर कृपालू जी चले ने दातार ने उस वेले कहा मैं लोके नहीं जाना। भाई संगत सिंह नू अपनी कलगी दिती है ते चेते रखियो भाई संगत सिंह दा चेहरा केवल गुरु गोबिंद सिंह नाल नहीं सी मिलदा, इथों तक के पटना साहिब भाई संगत सिंह गुरु गोबिंद सिंह जी तो एक दिन बाद उन्हां दा जन्म होया सी। पहला एक दिन गुरु कलगीधर ते कलगीधर तो एक दिन बाद भाई संगत सिंह जी का जन्म पटना साहिब की धरती से होया। उन्होंने दिती कलगी ते मैं कहना की हो जा मरजीवड़ा के तेरे तो बाद सी जूझांगे। तीन सिख नाल लए ने प्यारे भाई दया सिंह, प्यारे भाई धर्म सिंह, प्यारे भाई हिम्मत वैगुरु भाई मान सिंह। दो पंजा प्यारियां विचों एक भाई मान सिंह कह लगे ताड़ी मारी ते शब्द सन पीरे हिंद मेर वद, पीरे हिंद मेर वद, हिंद दा पीर जा रहे हैं। इत्थे करतार सिंह ने के गुरु गोबिंद सिंह दे जीवन दी घटना लिखी। मैं किताब दा जिक्र तां कीता क्योंकि कई सज्जन पुछणगे कित्थों पढ़ी। वो लिखदा जदों गढ़ी तो बाहर निकले सच्ची सरकार, रात नूं तुरे ने हफड़ा दफड़ी मचीए, अचनचेत कृपालू जी उन्हां दे चरण किसे कपड़े ने रोक लए। उन्हें शब्द लिखे ने कपड़े ने चरण रोके सच्ची सरकार रुक गए। आसमान ते बिजली चमकी ते की देखिया कोई होर नहीं अपने पुत्र बाबा अजीत सिंह का तन पिया है ते उहदे तन ते पाए हुए चोले नाल पिता दे चरण अटक गए। करतार सिंह लिखते ने कि जदों चरण अकड़े अटके ने बिजली चमकी ते देखिया ते उस वेले प्यारे भाई दया सिंह कमर कसा खोलन लगे ने। हजूर ने आवाज दिती दया सिंह जी प्यारे ये कमर कसा कासली खोलते पे हो। कह लगे सच्ची सरकार मैनू एक गल दसो कि तेरे तीरां नू सोना क्यों लगा हुंदा सी। उत्तर सी कि साडे तीर नाल कोई जख्मी हो जाए ते उहदे दवाई का प्रबंध ना हो सके ते सोना वेच के उहदी दवाई का प्रबंध कर उहदा इलाज कर लैण। साडे तीर नाल किसे दी मौत हो जाए ते एक काम करन
ਉਹਦੇ ਸੰਸਕਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਤੇ ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਕਹਿ ਮੇਰੇ ਸਈਆ ਤੂੰ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਸੰਸਕਾਰ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਦਵਾਈਆਂ ਲਈ ਸੋਨਾ ਤੀਰਾਂ ਨਾ ਲਾ ਕੇ ਘਾਲਣਾ ਪਏ ਉਹ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਢੱਕਣ ਵਾਲਿਆ ਤੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਬਿਨਾ ਖੱਪਣ ਤੋਂ ਪਏ ਨੇ ਚਿੱਤ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇਹਦਾ ਚਿਹਰਾ ਢੱਕ ਜਾਵਾਂ ਮੈਨੂੰ ਬਾਬੇ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਢੱਕਣ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਖੱਤ ਪਕੜ ਕੇ ਕਿਹਾ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇਖੋ ਮਿੱਟੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਤ ਨਹੀਂ ਕਰੀਦੀ ਕਿੰਨਿਆਂ ਕੁ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਢੱਕੇਗਾ ਇੱਥੇ ਅਜੀਤ ਤੇ ਜੁਝਾਰ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਮੇਰਾ ਪਿਆਰਾ ਹਿੰਮਤ ਸਿੰਘ ਵੀ ਸੁੱਤਾ ਹੈ ਇੱਥੇ ਮੇਰਾ ਪਿਆਰਾ ਮੋਹਕਮ ਸਿੰਘ ਵੀ ਸੁੱਤਾ ਹੈ ਇੱਥੇ ਮੇਰਾ ਪਿਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਵੀ ਸੁੱਤਾ ਹੈ ਇੱਥੇ ਭਾਈ ਆਲਮ ਸਿੰਘ ਵੀ ਸੁੱਤਾ ਹੈ ਇੱਥੇ ਭਾਈ ਦੇਵਾ ਸਿੰਘ ਵੀ ਸੁੱਤਾ ਹੈ ਇੱਥੇ ਭਾਈ ਮਦਨ ਸਿੰਘ ਵੀ ਸੁੱਤਾ ਹੈ ਇੱਥੇ ਭਾਈ ਕੋਠਾ ਸਿੰਘ ਵੀ ਸੁੱਤਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਤਨ ਤੇ ਕੱਪੜ ਨਾ ਪਾਈ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਤਨ ਨਗਨ ਨੇ ਤੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਤਨ ਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਵਿਗੜਦਾ ਹਜ਼ੂਰ ਕਿਰਪਾਲੂ ਜੀ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਤਨ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਮੁਸਕਰਾ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖੋ ਅੱਜ ਕੋਈ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਕੋਈ ਸਰੀਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਭਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ 22 ਦਸੰਬਰ ਤੇ 27 ਦਸੰਬਰ 5-7 ਦਿਨ ਬਣਦੇ ਨੇ ਤੇਰੇ ਘਰ ਦੇ 5 ਜੀ ਗਏ ਇੱਕ ਨਹੀਂ 5 ਜੀ ਗਏ 4 ਪੁੱਤਰ ਤੇ 1 ਮਾਂ ਗਈ ਮੇਰੇ ਦਾਤਿਆ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਹੱਥੀ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਾਇਆ ਨਾ ਆਪਣੀ ਹੱਥੀ ਚਿਖਾ ਚੁਣੀ ਤੇ ਨਾ ਆਪਣੀ ਹੱਥੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਤਨ ਨੂੰ ਤੂੰ ਲਾਂਬੂ ਲਾਇਆ ਸਾਹਿਬ ਕਿਰਪਾਲੂ ਜੀ ਜਦੋਂ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਗਏ ਮਾਛੀਵਾੜੇ ਦੇ ਜੰਗਲਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਅਰਜ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਸਿੱਖ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਚੇਚੇ ਕਦੀ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕਲਗੀ ਵਾਲੇ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਬਾ ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕੇ ਕਿ ਸਾਹਿਬ ਕਿਰਪਾਲੂ ਜੀ ਚਲੇ ਗਏ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਬੀਬੀ ਸ਼ਰਨ ਕੌਰ ਆਈ ਹਰ ਸ਼ਰਨ ਕੌਰ ਨਹੀਂ ਸ਼ਰਨ ਕੌਰ ਆਈ ਉਹਨੇ ਦੀਵਾ ਮਾਲਿਆ ਤੇ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਪਹਿਚਾਣੀ ਤੇ ਨਾਲੇ ਕਈ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਭਰਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ ਜਾਂਦੀ ਤੂੰ ਕਿਰਪਾ ਕਰੀ ਇਹਨਾਂ 40 ਭਰਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਮੈਂ ਵੇਖ ਕੇ ਡੋਲਾ ਨਾ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਸਕਾਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਸਕਾਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਬੀਬੀ ਸ਼ਰਨ ਕੌਰ ਨੇ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਚਿਖਾ ਚਿਣ ਕੇ ਲਾਂਬੂ ਲਾਇਆ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਲਾਂਬੂ ਲਾਇਆ ਓਨੀ ਦੇਰ ਨੂੰ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਤੱਕਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਸਵਾਣੀ ਲਾਂਬੂ ਲਾ ਕੇ ਕੋਲ ਬੈਠੀ ਸੋਹਿਲਾ ਪਈ ਪੜਦੀ ਏ ਆਏ ਉਸ ਬੀਬੀ ਸ਼ਰਨ ਕੌਰ ਨੂੰ ਬਲਦੇ ਹੋਏ ਲਾਂਬੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਸੱਟ ਦਿੱਤਾ ਸਮਾਂ ਲੰਘਿਆ ਕੋਈ ਪ੍ਰੇਮੀ ਆਇਆ ਰਾਤ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਸਾਰੀ ਰਾਖ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਰਾਖ ਇਕੱਠੀ ਕਰਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਪੱਟੀ ਤੇ ਜਾਂਦੀ ਵਾਰੀ ਰਾਖ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਥੱਲੇ ਦਬਾ ਗਿਆ ਮਿੱਟੀ ਵੀ ਦਬਾ ਗਿਆ ਗੜੀ ਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਪਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਕਿ ਕਲਗੀ ਵਾਲੇ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਕਿੱਥੇ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਲਗੀ ਵਾਲੇ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਕਿੱਥੇ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੇਖ ਉਸ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇ ਪੁਤਲੇ ਨੇ ਜੇ ਪੁੱਤਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਹਿਸਟੋਰੀਅਨ ਨੇ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਐਡਿਟ ਕੀਤੀ ਸੀ ਬਹੁ ਮੁੱਲੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਲੇਖ ਉਹਦੇ ਪੰਨਾ 73 ਤੇ ਬੀਬੀ ਜਸਵੰਤ ਕੌਰ ਦੇ ਕੁਝ ਲੇਖ ਨੇ ਉਹਦੇ ਲੇਖ ਸਨ ਕਿ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਤੇ ਅਜੋਕੇ ਸਿੱਖ ਪੁਰਾਤਨ ਸਿੱਖ ਤੇ ਅਜੋਕੇ ਸਿੱਖ ਕਿਸੇ ਸਿੱਖ ਭਾਵਨਾ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਰਾਖ ਮਿੱਟੀ ਥੱਲੇ ਦਬਾ ਦਿੱਤੀ ਪਰ ਥਾਂ ਨਾ ਲੱਭੇ ਕਿਹੜੀ ਸੀ ਨੇੜੇ ਬੇਲਾ ਪਿੰਡ ਹੈ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਰਾਈਸ ਸਰਦਾਰ ਸਨ ਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸਨ ਸਰਦਾਰ ਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਰੋਜ਼ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਬੇਲੇ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਤੁਰਨਾ ਪੈਦਲ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਆਉਣਾ ਤੇ ਆ ਕੇ ਕਲਗੀ ਵਾਲੇ ਦੀ ਗੜੀ ਜਿੱਥੇ ਸੀ ਉੱਥੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਨੀ ਤਵੱਜੋ ਦਿਓ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇਹ ਤਾਂ ਦੱਸ ਦਿਓ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਦਾਨੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਕਿੱਥੇ ਹੋਇਆ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਦਿਓ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਾਖ ਕਿੱਥੇ ਵੇ ਪੁੱਛੀ ਜਾਣਾ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਲੱਭਦਿਆਂ ਲਭਾਉਂਦਿਆਂ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ਼ੀਸ਼ਗੰਧ ਕਤਲਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਤੱਕਦੇ ਹੋ ਉਹ ਅਸਥਾਨ ਸਰਦਾਰ ਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਲੱਭ ਗਈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਬੌਲੀ ਵੀ ਬਣੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਉਹ ਥਾਂ ਲੱਭ ਗਈ ਸਰਦਾਰ ਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਉਸ ਦਿਨ
उस थां ते बैठ के चौंकड़ा मार के बैराग विच इन्ने रोए हे तेरे सच्चे पातशाह के कदी वह समा हुंदा अज मैं इस राख विच किते मैं ही नहीं समाया हुंदा पर मैं तेरा कोटान कोट शुक्र करना मैनू तेरे पुत्रां दी इस अस्थान की सेवा का मौका मिले। दूजे दिन आए केसी इशनान कीता लकड़ां मंगाइया सीमेंट मंगाया जां जो भी समान चाहिदा सी मकान नूं उसारन लई चोना चूना इटां लकड़ी सब कुछ मंगा के ते जदों अरदास शुरू होण लगी ना भी अज नीह पत्थर रखनी है ते सरदार जी कहिंदे आ कि मैं रोज इस दी निगरानी अपनी थले मैं सेवा करानी। शाम नूं सोदर दा पाठ होया उस थां ते सरदार दयाल सिंह कहिंदे आ बाबा जी जिहड़े भाई साहिब सन कि अज अरदास विच जिन्नी देर तक यह सेवा चलती रहे इमारत की तुसी एक अरदास करनी है कि हे कलगी वालिया दयाल सिंह की अंश ना रहे दयाल सिंह की बंश ना रहे मेरे घर पुत्र धी ना होवे मैं इस तरह दुनिया तो चला जा। जदों यह शब्द कहे नाल दे रो पै कि सरदार जी यह शब्द क्यों उन्हें क्या ग्रंथी साहब मेरे ते पर उपकार कर ए अरदास विच तू रोज कहने के मेरे घर पुत्र धी ना होवे मेरी अंश ना चले जे पुछया क्यों ते कह लगे ए ओ थां है जिथे पंथ दी खातर अपने पुत्र गुरु जान लग्या सदा ली दे गया मैं ता इमारत बनानी है कल मेरी संतान इस इमारत उत्ते कब्जा ना कर ले ए ना कहे कि साडे बाप ने बनाईए पंथ दा वाली तां पुत्र भी दे गया मैं चाहना कि पंथ दा चानन मुनारा बने। गुरसिखो उन्हें इमारत बनाई अल्लाह यार खां जोगी ने उत्थे एक शेर ते लिखिया है वह कहिंदा है हिंदुस्तान तीर्थां दा देश है इत्थे बड़े तीर्थ ने कई पुरियां ने कई धर्म अस्थान ने वह कहिंदा खालसा बार भटकन दी थां तू चमकौर दी गड़ी विच आई ते गुरु कलगी वाले दे पुत्र जिते शहीद होए ने इस मिट्टी नू चोके मत्थे ते लाई कहिंदा मैनू ते इंज प्रतीत हुंदा है कि जिहड़ी सूरज दी चमक धरती ते पैंदी है ये चमक भी चमकौर दी गड़ी विचों निकल के गई है। कहिंदा बस उन्हें शब्द वरते सन बस हिंद में एक तीर्थ है यात्रा के लिए कटाए बाप ने बच्चे जहां खुदा के लिए बस हिंद में एक तीर्थ है यात्रा के लिए कटाए बाप ने बच्चे जहां खुदा के लिए चमक है मेहर की चमकौर तेरे जर्रों में यहीं से सितारे बन के गए आसमां के लिए के है आसमान भी चमक दे तारियो तुहाडी चमक ता मद्दम पै जाएगी सूरज दी रोशनी ता एक दिन बुझ जाएगी पर कलगी वालिया तेरे शहीद पुत्रा ते सिखां दी लो ने सदा बलदी रहना। आओ उस कलगी वाले दे पुत्रा नू 300 साल उन्हां नू खो जाने वो असी कर्ज नहीं कदी ला सकते घट्टो घट बाबा अजीत सिंह ते बाबा जुझार सिंह वर्गे अपने स्वरूप ही बना लेंगे गुरु कलगी वाले दे पुत्र बन जाइए साहब धन गुरु कलगी वाला मेहर करे इनिया कु बेनतियां प्रवान करो। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।